उमर अल्ताफ जी, क्या पाकिस्तान कोई देश भी बना है या चीन की कॉलोनी बन गया है? चीनी लोग तो आपको नमाज भी नहीं पढ़ने देते थे पाकिस्तान में, बहुत सारे वीडियो आते हैं यूट्यूब पे। देखिए, पहले मैं जनरल बख्शी का जवाब देना चाह रहा हूँ। उन्होंने जियाउल हक की बात, तो पाकिस्तान में जियाउल हक को नहीं समझा जाता, अगर आपके मुल्क में वो काम जो जियाउल हक ने पाकिस्तान में किया वो आपके प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं, और मोदी तो एक इलेक्टेड लीडर है, उनके लेजिटिमेसी है। ये भारत के लिए एक शर्म का मकाम है, एक सेक्युलर डेमोक्रेसी ने मोदी जैसे भाई को अपना प्रधानमंत्री बना लिया, ये भारत के लिए एक शर्म का मकाम है। आपके पेट में क्यों दर्द हो रहा है भाई? डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड है, उमर अल्ताफ के पेट में क्यों दर्द हो रहा है? मोदी जी को देश ने इलेक्ट किया भाई, उमर अल्ताफ आपके पेट में क्यों दर्द हो रहा है? इंडिया की डेमोक्रेसी दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी उमर अल्ताफ, और आपकी डेमोक्रेसी फेल डेमोक्रेसी। जनपक्षी क्या कहेंगे? ये कह रहे कि भारत ने मोदी जी को क्यों इलेक्ट किया? क्या पाकिस्तानी ये सवाल पूछेंगे कि मोदी जी कैसे इलेक्ट हुए? जनपक्षी देखिए, उमर अल्ताफ साहब आपने इंटरेस्टिंग पॉइंट रेज किया है, क्या मैं जवाब दे दूं? जी बिल्कुल, थैंक यू बिकॉज आज मैं समझता हूँ दी लेवल ऑफ डिस्कशन शुड बी हायर। देखिए, एक कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लीडर जो कि इतनी बढ़िया मेजोरिटी के साथ आया है फ्रॉम द फ्री विल एंड एक्सरसाइज ऑफ द पीपल। क्या आप जियाउल हक एक मिलिट्री डिक्टेटर को एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लीडर से कंपेयर कर सकते हैं? जियाउल हक को 10वां था सीनियोरिटी में, और बेचारे भुट्टो साहब ने उसको चुना था इस उम्मीद में कि वो उनके प्रति वो पर्सनली लॉयल रहे। उसने उन्हीं भुट्टो साहब को हैंग किया जो आपकी डेमोक्रेसी का कत्ल किया गया। उमर अल्ताफ सुन तो लीजिए, सुन लीजिए, इतना रिस्पेक्ट करिए जनरल साहब का। उमर अल्ताफ भाई, मैं आपके साथ आऊंगा, मैं जरूर सुनूंगा आपको, लेकिन मैं कह रहा था कि वो जो जनरल जियाउल हक साहब है उन्होंने तो कोड़े मरवाए जो पाकिस्तान के आवाम है, उनके टाइम में लैशिंग शुरू हो गई थी, और मुझे अभी तक याद है स्टेडियम में लैशिंग हुआ करती थी, और बेचारी जनता वहां की जो खड़ा होके चला जाता था उसको चीयरिंग करती थी, इतना आक्रोश था आपके वहां पे। आप उसको डेमोक्रेटिक प्रोसेस के साथ कैसे कंपेयर कर सकते हैं? और जब जियाउल हक लैक लेजिटिमेसी, वो लेजिटिमेसी गेन करने के लिए उसने जो है वहाबाइजेशन पे जोर दिया, जिहादाइजेशन ऑफ पाकिस्तान पे जोर दिया, पूरी आइडियोलॉजी पाकिस्तान की जो है वो उस तरफ मोड़ दी जो कि एक्सपोर्ट ऑफ जिहाद की ओर वो जिसकी तरह वो बिल्कुल वो अग्रसर हो गया तब से पाकिस्तान।